शहीद होजा जी जो हैं, एक शहीद हैं, आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, दाएश के मुकाबला करते करते शहीद हो गए। उनकी बीवी कहती है, इंटरव्यू देती है, यूट्यूब पे है, सबील मीडिया सर्च करेंगे शहीद होजा जी, आपको वीडियो दिखेगा, उसके अंदर तर्जुमा उर्दू में। शहीद होजा जी की बीवी कहती हैं कि शहीद होजा जी जो हैं, जब उनको शहीद कर रहे थे तो उनके होठ जो हैं वो सूखे हुए। वीडियो आप यूट्यूब पे देखिए। कहती है, जानते हैं क्यों होठ सूखे हुए? क्योंकि बचपन से शहीद होजा जी की तमन्ना ये थी कि ऐ काश मैं भी हुसैन इब्ने अली की तरह प्यासा शहीद हूँ, ऐ काश मैं भी प्यासा शहीद। दाएश ने इस तरीके से उनका गला पकड़ा था और जब जिब कर रहा था, वीडियो है यूट्यूब पे, तो मुस्कुरा रहे थे। उनकी बीवी इंटरव्यू देते देते रोते रोते, वो इंटरव्यू ले रही थी, वो औरत गिर गई रोते रोते। कहती है, जानते हो क्यों रो रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि हम उनका गला कटता हुआ देख रहे थे और वो हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत कर रहे थे। क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया था कि मेरी ज़िंदगी की औज ये है कि मुझे हुसैन इब्ने अली पर कुर्बान हो जाना। हम करबला के वाकये सुनते हैं लेकिन कभी जज्बे शहादत नहीं आती हमारे दिल, क्योंकि हमने उन्हें रोल मॉडल्स नहीं बनाया। हमें लगता है मर जाना यानी ख़त्म हो जाना, लेकिन हकीकत में मर जाना यानी हुसैन से जुड़ जाना जब राह हक पर तुम हो। जाने गिरामी, आज भी लाखों हजारों जवान हैं जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किस लिए? वक्त के इमाम के जहूर के लिए।